नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश जनता के मूड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको ले चलते हैं सांगोत विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने वहां की जनता से खास बातचीत की है और लोगों का मूड जानने की कोशिश की है। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना है कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। रिपोर्ट देखिए। कोटा क्षेत्र की सांगोद विधानसभा क्षेत्र में आज इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है। यहां पर इस विधानसभा में हर बार मौसम बदलता है, हवा बदलती है, हवा बदलने के साथ पार्टी का कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा इसकी लहर भी बदल जाती है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला कड़ा होता है। पिछली बार यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, इस बार क्या मिजाज रहेगा वो ही जानने की कोशिश करेंगे। सांगोद में गणेश जी का जो मंदिर है वो मशहूर मंदिर है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ कई बड़े आयोजन होते हैं और यहीं पे देश में चाय की दुकानों पर, मंदिरों में, हर जगह राजनीति की चर्चा होती है। राजनीति का माहौल प्रदेश में अभी गर्म है, तो इन्हीं तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजस्थान में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी योजनाएँ, किसकी घोषणाएं प्रदेशवासियों को पसंद आ रही हैं। बाबूजी, आपने कई चुनाव देखे होंगे प्रदेश के, कई वोट भी आपने दिए होंगे, इस बार क्या लगता है माहौल, क्या मिजाज है राजस्थान की राजनीति का? राजस्थान की राजधानी जयपुर से जो अशोक जी गहलोत सरकार में हैं, उन्होंने जो योजनाएं दी है ना, वो अति सुंदर हैं। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, विधवा पेंशन, जो भी है ना, जो योजनाएं चालू की है उन्होंने, जैसे हर माह 1,000 रुपये की घोषणा कर रहे हैं, अधिक मिलेगा, तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए लोगों को राहत मिल रही है। और जब राहत मिलती है तो पार्टी वार्टी कहीं भी नहीं लगती है। जब जो जो व्यक्ति राज करते टाइम पब्लिक को राहत देता है, उसी की विजयश्री होती है। राहत की बात की जा रही है कांग्रेस की तमाम योजनाओं की, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बीजेपी की ओर से सीएम का उम्मीदवार घोषित अभी नहीं किया गया, क्या लगता है इसका नुकसान होगा? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उनका प्रचंड बहुमत से। आपके यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे थे पिछले 5 सालों में, कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए पूरे? राहुल गांधी जी ने 10 दिन में दस्तक की गिनती बोलने के लिए कहा था कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दूंगा, ना तो उन्होंने कर्जा माफ़ किया है और ना नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। जो बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, वो भी युवाओं को नहीं मिला है, ना ही इन्होंने कोई नौकरियां दी है। इनकी भर्तियों में घोटाले हुए हैं, पेपर लीक। इस बार क्या देख के वोट करोगे आप? मतलब तमाम मुद्दे हैं आपके इलाके में, मैंने जाना यहाँ पर बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, एक आपके जो मंडी है वो काफ़ी दिनों से बंद है, वो भी शुरू नहीं हो रही है, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे? इस बार राजस्थान का एक ही मुद्दा है और विशेष तौर सांगोद का भी एक मुद्दा है कि पिछली बार जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, और अभी वर्तमान में भी क्या सरकार वादे करती जा रही है, गारंटी दे रही है हर चीज़ की, लेकिन अभी पिछले वादे पूरे नहीं, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे इसके ऊपर? गारंटियों की बात की जा रही है, दोनों ही पार्टियां गारंटी दे रही हैं, किसकी गारंटियों में ज़्यादा दम नज़र आता है, क्या लगता है? राजनीतिक मंच पे जनता में संदेश जाए कि भाई हम ये काम करेंगे, और जब जनता उसमें विश्वास करने के बाद उनको कुर्सी देती थी, कुर्सी देने के बाद यदि उन वादों से सरकार मुखर जाती है तो उस पर अविश्वास की भावना प्रकट होती है। इसी समय बहुत वादे कर रही है वर्तमान सरकार, लेकिन जो पूर्व के वादे हैं उनके पूर्व के वादे वो 50% वादा नहीं निभा सकी, तो लोगों को संग कुछ दे कहीं वो फिर वही गलती नहीं, मतदाता नहीं कर दे जो पहले उनके वादे के झांसे में आ गए। कहीं ना कहीं वादे पूरे ना होने की जो कमी है वो लोगों को लग रही है। भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार क्या देख के आप वोट करने जाएंगे, क्या आपने आपके विधायक ने काम किया? हमारे विधायक ने जो आज इस खाड़े के अंदर खड़े हुए, ये हमारे भरत सिंह जी की देन है। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, अरे 5 साल हीरा लाल नागर यह विधायक रह के गया है मगर 1 इंच काम नहीं कराया। आज भी फ्रंट देख लो, आज ये खाड़े में जो खड़े हो, ये हमारे भरत सिंह जी कुंदनपुर की देन है। आज ये नदी भरी हुई है, ये हमारे भरत सिंह जी कुंदनपुर की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे के वादे करते, कर्नाटक के अंदर जो चुनाव हुए हमारे राहुल गांधी ने जिस दिन शपथ ली है उसी दिन वादे पूरे कर दिए। ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास कुछ वादे नहीं है, झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात, जब पेंशन विधवा पेंशन मिलती है, एक ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसकी पेंशन चालू नहीं है, 700 रुपये से 1,000 रुपये तक। उसके बाद हमारी जो
इंदिरा गांधी ये योजना थी 8 रुपए में भर पेट के उसको खाना मिल रहा है, गरीब आदमियों को। ये झूठे वादे करते हैं, कोई काम नहीं करते, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जवाहरलाल लाल जी को भी टिकट दिया है, वो गांव गांव जा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। दो ही मुद्दे हैं उनके पास, पानी और ये काम नहीं कर रहा। ये जो आज देख रहे हो डेवलपमेंट, ये हमारे भरत सिंह जी की देन है। किसानों को लेकर क्या कुछ हुआ, किसानों की क्या कुछ मांगे? किसान काफी तादाद में यहाँ रहते हैं, किसानों की क्या मांगे इस बार, क्या चाहते हैं किसान? किसानों के लिए हमारे सांग विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। यहाँ पर ये जो हरीश चंद्र सागर परियोजना है, ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। इस पर अभी विधायक भरत सिंह जी ने करोड़ों रुपये लगाकर उसका पूरा काम करवाया है। और नदियों पर जगह जगह एनीकट बना दिए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, जो सिंचाई में काम आता है। और बिजली, सांगोद विधानसभा एक राजस्थान में एक ऐसी विधानसभा है जहाँ सबसे ज़्यादा GSS है। राजस्थान में कहीं भी यहाँ सांगोद विधानसभा से ज़्यादा GSS नहीं है। बिजली की, पानी की किसानों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है और किसानों के लिए भरत सिंह जी दिन रात काम कर रहे हैं। और कितने रोजगार की बात होती है यहाँ पर, कितने रोजगार के साधन डेवलप हुए हैं आपके? कुछ हुआ है काम, विकास की जो बात की जाती है, आपकी विधानसभा में कितना विकास हुआ? हमारी सांगोद विधानसभा में भरत सिंह जी ने आज तक, देश आज़ाद हुआ जब से अभी तक, मैं ये कहता हूँ कि इन 5 सालों में विकास की गंगा बह रही है। और करोड़ों रुपये से सड़कें, करोड़ों रुपये से अस्पताल, करोड़ों रुपये से कॉलेज, और ये जो खाड़ा परिसर देख रहे हो, इससे आपको पता लग जाएगा कितना विकास हुआ है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, लगातार विकास की मुद्दा आता है, विकास आखिर क्या, आपकी विधानसभा में विकास पहुंचा? विकास जो मूलभूत आवश्यकता है, ये तो सभी का फर्ज है कि करवाते हैं, लेकिन जो यहाँ मुख्य समस्या है बेरोजगार की, ना तो कोई पिछले कार्यकाल में जो भी विधायक हैं उनके द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया, कोई फैक्ट्री वगैरह खोलें, या कुछ जो नए युवा हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और सबसे मूल समस्या रोजगार की है, जिस पर यहाँ पर रोजगार की समस्या है। क्या कुछ काम हुआ रोजगार को? यहाँ पर रोजगार से संबंधित कोई काम नहीं हुआ। जैसे मेरे साथी कांग्रेस के, वो बता रहे हैं कि 8 रुपये में भरपूर भोजन चलता है। आपको भी पता है, ये तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी तब भी रसोई चलती थी। उसके अलावा एक खाड़ा परिसर बता रहे हैं, तो ये सांगोद में खाड़ा परिसर में निर्माण हुआ है। पहले हमारे विधायक हीरा लाल जी नागर थे, वहाँ पर गौरवपथ के माध्यम से गांव-गांव में जाकर आप देखो, मतलब जहाँ पर पानी भरा रहता था, कीचड़ होता था, उन्होंने गौरवपथ और ग्रामीण सड़क के वहाँ योजना के द्वारा घर घर गाँव-गाँव में सड़क का निर्माण करवाया। सब्जी मंडी यहाँ जो सांगोद में सब्जी मंडी का बहुत ही अच्छी तरीके से विकास करवाया है, और यहाँ पर गौशाला है, गौशाला का विकास करवाया है। रही बात ये नदी की, तो नदी की कंडीशन तो अभी भी ऐसी की ऐसी है। यहाँ सांगोद में अगर कोई विकास के नाम पर अगर कोई काम हुआ है, तो ये खाड़ा परिसर नजर आता है, जबकि पूर्व विधायक हीरा लाल जी नागर ने। तो आपका मतलब है विकास यहाँ पे नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हो? लेकिन भाई साहब, लगातार बात की गई, बजट दिया गया, यहाँ के किसानों तक ये क्या, जो आपके पास में जो नदी बह रही है, क्या इसका फायदा मिल पा रहा है? निश्चित रूप से, ये जो आज जो आप पीछे उजाड़ माता देख रहे हैं, तो इसी की देन है। आज सांगोद जो हरा भरा है, ये माननीय हमारे विधायक साहब की देन है, जिन्होंने जगह जगह पर एनीकट बनाकर जो बारिश का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता था, उसको रोककर ये जो हमने डैम बनाए जगह जगह, इससे आज पूरा क्षेत्र हमारा हरियाली से लहला रहा है। क्या लगता है आपको, किसकी लहर है इस बार, किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह की योजनाएं अशोक जी गहलोत द्वारा लोगों को दी गई, और जो राहत कैंप है, MRC कैंप लगाए गए, उससे बिल्कुल एक एक आदमी बिना किसी पार्टी विशेष का, ये नहीं कि BJP का या कांग्रेस का, सभी लोगों को फायदा मिला है। रही कर्ज की माफी, मेरे काबिल दोस्त ने बात की, तो जो ही सत्ता में हमारी कांग्रेस पार्टी है, अशोक गहलोत साहब ने कार्य संभाला, उसके एक महीने के अंदर 1.5 लाख रुपये तक का सरकारी का सभी किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कई और जैसे सतीश जी बता रहे थे कि वादे करते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत है और खासियत है। उन्होंने बड़े बड़े झांसे दिए थे, वादे नहीं, झांसे थे। हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपये आएगा, लेकिन वो आज तक वो 15 लाख या 15 रुपये के लिए भी आदमी तरस रहा है। और जो अशोक गहलोत सरकार ने दिया है, वास्तव में इतना दिया, जो हम योजनाओं को गिनाने लगे तो करीबन 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान का इतिहास बदलने वाला है। जो हर 5 साल में यहाँ सरकार चेंज होती थी, उस परी पार्टी को चेंज होगा और दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी दमखम के साथ।
इस बार रिवाज बदलने की बड़ी चर्चा है। प्रदेश में लंबे समय से रिवाज बना हुआ है कि एक बार सरकार आती है फिर वो चली जाती है, सरकार बदलने का रिवाज है। इस बार दोनों ही पार्टियां हैं, वो एक पार्टी चाहती है कि इस रिवाज को तोड़ा जाए, कांग्रेस चाहती है, बीजेपी चाहती है कि इस रिवाज को बरकरार रखा जाए। आपको क्या लगता है किस कौन जीतेगा? इस बार इतिहास रचाओं आएगा, बिल्कुल रिवाज बदलेगा। जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है उन घोषणाओं को पूरा किया गया है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे वो नरेगा योजना हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो किट बांटे जा रहे हैं, सभी योजनाओं का भरपूर जनता को लाभ मिला है। और भरत सिंह जी कुंदापुर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट करवाया, रिवर फ्रंट मिली। आपके लोकल यहाँ पे कॉलेज, यहाँ का लोकल जो शहीद हेमराज मीणा राजकीय महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना भी सम्मान्य भरत सिंह जी द्वारा करवाई गई थी, वहाँ पर करोड़ों रुपए का अभी भी विकास कार्य चल रहा है। यहाँ पर स्टेडियम सांगोद विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं है, ऐसा स्थान बाकी नहीं है। आप सांगोद में ले लो, कनवास में ले लो, आप शिमला ले लो, भोपाल ले लो, सब जगह खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की स्थापना सम्मान्य भरत सिंह जी द्वारा की गई है। आम जनता के लिए पार्कों की व्यवस्था है भरत सिंह जी के द्वारा की गई है, बपौर में की गई है, कनवास में की गई है, शिमला में की गई है। तो आपका कहना है कि यहाँ सेम जो है कांग्रेस के विधायक है कांग्रेस के खाते में जाएगी सीट? बिल्कुल 100% 100% डेवलपमेंट जो विकास हो रहा है खाते में जाएगी सीट, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। और जितना विकास हो रहा है कांग्रेस उस विकास में देते हो अभी सरकार कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी। लोकल मुद्दों पर अगर बात की जाए तो क्या कितने मुद्दे अधूरे हैं अभी तक जो पूरा होना चाहिए? मैं सांगोद नगर पालिका में पार्षद हूं और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष हूं, लेकिन सांगोद नगर पालिका में चार साल तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार का तांडव मचा रहा। हम समिति का अध्यक्ष रहे लेकिन हमारी समितियों का अधिकार हमें नहीं दिया गया, हमारी समितियों का अधिकार हमें नहीं दिया गया वहाँ पर, लेकिन हमारी समितियों का अधिकार हमें विधानसभा में काम हुआ। विधानसभा जो जितने भी सफाई कर्मचारी थे उन्होंने एक बैन लगाया है, जब स्वास्थ्य स्वच्छ कमेटी एक मेंबर है इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप बात राजस्थान की विधानसभा में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं लाल डर सफाई कर्मचारी है, उन्होंने इनके ऊपर ये ब्लेम लगाया कि इनके द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, सफाई कर्मचारी को ब्लेम लगाया गया, सफाई कर्मचारी को पैसे मांगते हैं, क्या मुद्दे लोकल विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा की चुनाव विधानसभा के लहर किसकी है विधानसभा की, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा तो कहीं ना कहीं इस सीट से जो चुनाव है वो लगातार बदलते रहे, रिजल्ट इस बार क्या रिजल्ट रहेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस सीट पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर कड़ी होगी, इस बात को लेकर कोई दोराय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वोट बैंक है वो लगातार सर्कुलेट होता है, कुछ ही वोटों के अंतर से जो सीट का जीत का जो दायरा है वो तय होता है। इस बार देखना होगा क्या कुछ इस विधानसभा सीट पर होता है। कैमरा पर्सन अश्विन के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़ कोटा।